अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लीना अरशाद, JRY टीम्स में खुश आमदीद। आने वाली मेगा कास्ट फिल्म टकसाली गेट का ट्रेलर जारी कर दिया गया, जिसे देखते ही शायकीन ने फिल्म की कहानी की तारीफें की। मुख्तसर दौरानिया के ट्रेलर में फिल्म के तकरीबन तमाम किरदारों को दिखाया गया है, जिसमें इफ्फत उमर और अली खान को वकील के रूप में, जबकि इफ्तखार ठाकुर को पुलिस अहदेदार के तौर पर दिखाया गया है। ट्रेलर में यासिर हुसैन को रकासाओं के हजरों में अयाशी करने वाले शख्स के तौर पर दिखाया गया है। ट्रेलर में आयशा उमर को रकासा या जिस्म फरोश के रूप में दिखाया गया है, जबकि अदाकारा मेहरबानों को भी ऐसे ही घरों में पैदा होने और परवरिश पाने वाली नौजवान लड़की के रूप में पेश किया गया है। नैयर एजाज को भी ऐसे ही लोगों के सिस्टम का हिस्सा दिखाया गया है और ट्रेलर से अंदिया मिलता है कि फिल्म की कहानी जिस्म फरोश और रकासाओं की जिंदगी और मुश्किलात के गिर्द घूमती है। फिल्म की कहानी अबू अलीहा ने लिखी है और उन्होंने इसकी हदायत दी हैं, जबकि फिल्म की कास्ट में भी शामिल हैं। उनकी दीगर कास्ट में अली खान, बाबर अली, खालिद अनम, नैयर एजाज, आयशा उमर, मेहरबानो, यासिर हुसैन और इफ्तखार ठाकुर समेत दीगर शामिल हैं। का नाम पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के कदीमी दरवाजे टकसाली पर रखा गया है और फिल्म को वहीं फिल्माया गया है। टकसाली गेट को आइंदा माह फरवरी में रिलीज करने का ऐलान किया गया है और शायकीन की जानिब से ट्रेलर की तारीफें की गई हैं। मजीद ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।